सुशासन की पहली शर्त है सुरक्षा, कानून का राज, और कानून के राज के लिए आवश्यक है कि हमें हर हाल में बल के इकबाल को बनाए रखना है, हर हाल में बनाए रखना है। एक कॉमन मैन के प्रति हमारा व्यवहार अत्यंत ही मित्रतापूर्ण होना चाहिए, सद्भावनापूर्ण होना चाहिए, लेकिन अपराधी कोई भी हो, कानून के साथ खिलवाड़ करने वाला व्यक्ति कोई भी क्यों ना हो, कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसके साथ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत उसे कानून के कड़घरे में खड़ा करके उसको उसका सही जगह पहुंचाने की कार्रवाई से भी हमें हिचक नहीं करनी चाहिए। और जिस दिन पुलिस का इकबाल बना रहेगा, आप में से हर जवान की, हर अधिकारी का सम्मान भी बना रहेगा। जब हम पुलिस के इस इकबाल को तोड़ने का प्रयास करेंगे, तो मुझे लगता है एक बार स्वयं भी जो भी व्यक्ति इसके साथ खिलवाड़ करने का प्रयास करेगा, वह स्वयं भी एक बार अपने आप को टूटा हुआ महसूस करेगा, अधूरा महसूस करेगा, और मुझे लगता है जीवन नहीं हो सकता है। इसको आप जीवन नहीं कह सकते। पिछले 6 वर्ष के अंदर हम लोगों ने प्रदेश के अंदर पूरा प्रयास किया है कि कैसे हम सब विभागों के साथ मिलकर के इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ा सकते हैं। सेफ सिटी के कार्यक्रम को हम नगर विकास के साथ मिलकर के आगे बढ़ा रहे हैं, केंद्र और राज्य सरकार मिलकर के इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ा रही है। आज सभी 17 नगर निगमों से युक्त हमारे 17 नगर बड़े महानगर और गौतम बुद्ध 18 नगर हमारे ऐसे हैं जो सेफ सिटी की ओर जा रहे हैं, जहां पर हम लोग पूरी तरीके से एक एक गतिविधि को सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से कैद करके ICCC के माध्यम से हम वहां पर न केवल वहां की ट्रैफिक मैनेजमेंट की व्यवस्था को, बल्कि सेफ सिटी के पूरे कॉन्सेप्ट को भी वहां पर प्रभावी ढंग से लागू कर रहे हैं।